गाइस अगर आपका भी फ्री फायर में पिंक हाई चलता है गाइस एंड लिटरली नेट बहुत ही पिंक हाई लो होते रहता है, जितने भी बंदे का गाइस फ्री फायर में पिंक प्रॉब्लम होता है वो बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देख देख के थक चुके हैं लिटरली गाइस। आज का वीडियो देखने के बाद गाइस आपको यूट्यूब पे आने का और ये फ्री फायर पिंक प्रॉब्लम को सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला गाइस, क्योंकि गाइस आज मैं आपको जो ट्रिक एंड टिप्स एंड बताने वाला हूँ, जो भी तरीका बताने वाला, अगर आप उसको अप्लाई अपने फ़ोन में करते हैं, सेटिंग जितने भी मैं बताने वाला उसको अप्लाई करते हो, तो आपको यूट्यूब पे कभी भी कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लिटरली गाइस जितने भी नए बंदे हो गाइस मैं पहले बता देता हूँ, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो गाइस आपको पूरा अगर अप्लाई करते इस सेटिंग को और जो जो मैं तरीका बताता हूँ उसको अप्लाई करते तो आपको यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। आपका फ्री फायर का पिंक भी आप देख सकते हो मेरा कितना अच्छा चल रहा है, आपका भी कुछ ऐसा ही चलने वाला है गाइस। कैसे करना है नहीं करना है सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में गाइस, तो प्लीज़ यार देखो लास्ट तक जरूर से वीडियो देखना और अपने छोटा भाई समझ के वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने अपने भाई को सपोर्ट करो गाइस। अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो गाइस मैं नेक्स्ट टाइम आपको चैनल को फ्री प्रमोशन करके सपोर्ट कराऊंगा ठीक है। एंड जितने भी गंदे गाइस फ्री फायर में पिंक प्रॉब्लम है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका ठीक नहीं होता है तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि आपको यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखने के बाद आपका फ्री फायर का पिंक प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस एंड चलो देखते हैं कि आपको क्या क्या करना, चलो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर सबसे पहले चलते हैं गाइस। ये जो वीडियो होने वाला है लिटरली गाइस ये सिर्फ 5G फोन के लिए, अगर गाइस आपको 4G फोन का सेटिंग देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो भी आप सेटिंग देख सकते हो एंड क्या है नहीं है उसमें फ्री फायर का नेट इशू कैसे सॉल्व करना है क्या क्या सेटिंग है सब कुछ बताने वाला हूँ गाइस ये 5G फोन का। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, वीडियो के लास्ट में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे कि लिटरली आपका 100% नेट इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला नेटवर्क इशू ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए गाइस अपना छोटा भाई समझ के वीडियो के लाइक को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो गाइस, आपके छोटे भाई को सपोर्ट का जरूरत है। सबसे पहले क्या करना है प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है एंड सेटिंग पे जैसे क्लिक करो गाइस देखो मैं फास्ट फास्ट बता रहा हूँ जैसे कि आपका भी टाइम वेस्ट मत ना हो ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस देखो यहाँ पर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पे देखो प्ले स्टोर में ऑटो अपडेट ऐप्स है ठीक है, इसको क्या करना है इस पर क्लिक करना है गाइस। एंड जैसे इस पर आप क्लिक करते हो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपका किसी पे भी सेटिंग हो उसको क्या करना डायरेक्टली डू नॉट ऑटो ऐप अपडेट के सेटिंग पे क्लिक कर देना ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करो गाइस आपका बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, इससे क्या होता है गाइस अगर अपडेट होता है तो उससे हमारा फ्री फायर प्रॉब्लम होता है, मोबाइल भी लेग करता है ठीक है। सबसे पहला सेटिंग हमने कर दिया सेटअप एंड सेकंड सेटअप जो करना गाइस आपके फ़ोन के सेटिंग में जाना है ठीक है। एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है, जो सा भी सिम गाइस आप चला रहे हो उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर देखो सबसे पहला जो एक्सेस पॉइंट है नेम्स इस पर गाइस आपको क्लिक कर देना ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपका एक नॉर्मल जियो इंटरनेट होगा, इंटरनेट नाम से एपीएस बना हुआ है गाइस, आपको ये नहीं चलाना है आपको एकदम न्यू एंड 100% फ्रेश बनाना है। तो सबसे पहले आप देखो न्यू एपीएस पे क्लिक करना है एंड गाइस मैं वीडियो को लंबा ना करूँ इसलिए गाइस मैं ये पे नहीं बता रहा हूँ ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना देखो ये मैंने बताया ये न्यू एपीएन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे देखो ये वाला मैंने बनाया, इसको सेम टू सेम स्क्रीनशॉट मार लो एंड सेम टू सेम ऐसा आपको एपीएन बनाना है ठीक है। यहाँ पे देख लो नेम एपीएन यूजर नेम एंड सर्वर, इसके बाद जितना जितना ऑप्शन है एंथ्रॉइज टाइप एपीएन टाइप एंड जितना भी एपीएन पोर्टल्स प्रोटोकॉल ये जो भी सेटिंग है गाइस इस पर क्लिक करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे देखो ये वाला है बैरियर, इस पर क्लिक करके सबसे ऊपर वाला अनटिक कर देना गाइस, उसके बाद जितना ज़्यादा है सेटिंग आपने जितना है उसको टिक मार के उसके बाद ओके कर देना, क्योंकि इससे गाइस जो भी आपके फ़ोन में सूटेबल नेटवर्क होगा ऑटोमेटिक वो सेटअप हो जाएगा ठीक है। यहाँ से भी करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ पे मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना, सेव करने के बाद गाइस नीचे वाला ऑप्शन पे जियो इंटरनेट स्पीड बोर्ड पे सेट कर देना है एंड देखो यहाँ पे मेरा थोड़ी देर के लिए नेट बंद होगा फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा आपका भी होगा। ऐसे होने के बाद इसलिए यहाँ से आपको बैक कर देना एंड मेरा सेकेंड स्टेप भी कम्प्लीट हो जाएगा गाइस। अब हम करने वाले थर्ड स्टेप गाइस क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो करना है यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अबाउट फोन का ऑप्शन आ रहा होगा, ये सिर्फ 5G फोन के लिए, 4G फोन में पहले बता देता हूँ ये सिर्फ 5G फोन के लिए, 4G फोन के लिए अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे वहाँ पे ऐसा आप देख सकते हो ठीक है।
यहाँ से अबाउट सेक्शन पे क्लिक किया गाइस एंड आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो ऐसा अगर आपका अपडेटेड वर्जन है तो यहाँ पे देखो OS वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। OS वर्जन पे आपको 7 बार क्लिक करना होगा, 7 बार, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है, मतलब पहले से मेरा ऑलरेडी ऑन है। उसके बाद आपको ऑन मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, दे देना, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेटिंग आपको अगर देखो मैं सबसे पहले बताता हूँ, अगर ये सेटिंग आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, एडिशनल सेटिंग यहाँ पे देख रहे हो, ये एडिशनल सेटिंग है, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे एंड सबसे लास्ट आ जाओगे। देखो यहाँ पे आ चुका है ऐड डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में है सबसे डेवलपर। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता गाइस, सबसे आसान तरीका होता है सेटिंग पे क्लिक करना एंड डेवलपर ऑप्शन लिखना। एंड जैसे लिखो गाइस सेकंड नंबर देखो डेवलपर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। देखो यहाँ से हम घुस चुके हैं डेवलपर ऑप्शन, एंड इसमें भी क्या करना गाइस, देखो सबसे लास्ट आ जाना, ठीक है। मेरा जितना भी प्रोसेस होता है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। लास्ट आके थोड़ा सा ऊपर करना गाइस एंड यहाँ पे देखो सबसे जो यहाँ पे होने वाला है, देखो गाइस अगर आप बैकग्राउंड देखो फ्री फायर को कट करोगे तो आपका फ्री फायर भी मतलब कट हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ अगर आप फ्री फायर खेलते हो, ठीक है, स्पेशली फ्री फायर के लिए आप नेटवर्क इशू ठीक करना चाहते हो एंड फ्री फायर के लिए, तो यहाँ देखो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड, इस पर क्लिक करना गाइस एंड यहाँ पर आपको सिर्फ करना है। यहाँ पर देखो या तो आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकते हो, अगर आप दो एप्लीकेशन यूज़ करते हो एक साथ, फ्री फायर एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ भी है यूट्यूब, तो आप यहाँ पे दो प्रोसेसर सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर तीन कोई एप्लीकेशन है तीन कर, ज़्यादा मत करना गाइस, यहाँ पे मैं बोलूँगा रेफर करूँगा नो प्रोसेसर बैकग्राउंड कर देना। एंड यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे देखो डू नॉट कीप एक्टिविटी, इसे भी गाइस आप चालू कर देना, जिस भी ऐप से आप कट हो गए वो ऐप ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसका बैकग्राउंड में नेट कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी सेटिंग हो चुका है गाइस। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर के सेटिंग पे गाइस। सबसे पहले जो करना है, सबसे पहले गाइस जो देखो, सबसे पहले जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो गाइस। सबसे पहले अगर आप फ्री फायर खेलने से पहले क्या करो, अपना फ्री फायर का फ्लाइट मोड मतलब मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑफ करके ऑन करना है, ठीक है, ऑन करके ऑफ करना, ठीक है, फिर से करना, उसके बाद गेम खेलना। अगर ये सब सेटिंग करने के बाद भी आपका नेट सही नहीं चलता गाइस, तो मैं अब देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर इससे भी नहीं हुआ गाइस, मैं बताता हूँ, किसी भी यूट्यूबर का कोई भी वीडियो देखो आपका काम नहीं करने वाला, ठीक है। किसी भी कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर का देखोगे आपका नेटवर्क इशू प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इसमें आपका कुछ पैसा लगेगा, ठीक है, कुछ देखो गेम खेलना है और अच्छा पिंक भी चाहिए तो इसमें कुछ पैसा लगेगा, मैं नहीं लेने वाला हूँ गाइस, ठीक है, आपको ही सब कुछ करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके देखो मैं दो सिम कार्ड रेफर कर रहा हूँ, एक होता है जियो, अगर 5G है, ठीक है, जियो और एयरटेल, ठीक है, ये दोनों सिम है और देख लेना गाइस, ठीक है, आप जिस एरिया में जिस घर में जिस रूम में आप खेलते हो, ठीक है, जिस जगह पे खेलते हो उस जगह पे आप क्या करो, किसी के पास भी एक सिम, आपके पास जो सा भी सिम हो, ठीक है, अगर आपके पास देखो जैसे मेरे पास है जियो का सिम, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है जियो का सिम, ठीक है, यहाँ पे मैं देखो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, देखो मेरे पास है जियो का सिम, ठीक, लेकिन अगर आपके पास देखो मेरे पास अभी जियो का सिम है, अगर आपके पास जियो का सिम में नेटवर्क इशू नहीं ठीक हो रहा है तो आप एक बार एयरटेल को ट्राई करो, ठीक है, किसी का भी सिम लो 10 मिनट 2 मिनट बस उसका ट्राई करो, अगर उसका नेटवर्क सही चलता है तो गाइस आप एक नया सिम कार्ड ले लो एंड उसी से आप फ्री फायर खेलो, अच्छा चलेगा गाइस एंड मस्त चलेगा, ठीक है। जो सा भी आपके एरिया में नेटवर्क आता है उसको ट्राई करो, अगर गाइस आपका एयरटेल सिम है तो उसको आप जियो में स्विच करा लो, ठीक है, जियो में या तो पोर्ट करा लो, ठीक है, पोर्ट कराने से क्या होगा आपका नंबर वही रहेगा एंड कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली बस स्विच हो जाएगा एंड उसमें नेट अच्छा चलता है तो आप उससे फ्री फायर खेलो गाइस। आपके पास कोई लेकिन मैं रेफर करूँगा VI एरिया ये सब सिम मत इस्तेमाल करना गाइस, इसमें फ्री फायर आपका बिल्कुल भी कचरा चलने वाला है, ठीक है, ये सब सिम इस्तेमाल मत करना, एयरटेल एंड जियो इस दोनों में से आपका जो भी एरिया जिस जगह पे अच्छा नेटवर्क आ रहा है सिर्फ उसको इस्तेमाल करना, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ उसको इस्तेमाल करना। एंड देखो अगर रिजल्ट आता है तो मेरे को एक प्यारा सा कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा भाई समझ के प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको कोई और